वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम इलस्ट्रेटर के अंदर एक ट्विटर लोगो को सर्कल की हेल्प से बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोगो डिजाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ये इमेज डाउनलोड कर ली है ट्विटर के लोगो की, और मैंने इस इमेज को लॉक कर दिया है जिससे कि जब हम अपना लोगो बनाएं तो ये इधर उधर मूव होके हमें डिस्टर्ब ना करे। तो फ्रेंड, अब हम जाते हैं यहाँ पर सर्कल एलिप्स टूल पर। हमने एलिप्स टूल लिया, देन ड्रॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर कोई फिल नहीं आ रहा। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने प्रॉपर्टी में जाकर इसका फिल को नन कर दिया। अगर मैं इसके फिल को यहाँ पर किसी भी कलर से कर देती हूँ तो आप देखिए इस तरीके से फिल आएगा। अगर आपका इस तरीके से फिल आ रहा है तो आपको क्या करना है, फाइल में इसमें जाना है, फिल में, एंड इसको नन कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं। अब हमें, आप कोई भी लोगो बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा लोगो सर्कल से बन सकता है कौन सा नहीं। आपके सामने जो भी लोगो है आप उसको सर्कल में डिवाइड करने का ट्राई कीजिए कि हम सर्कल से कैसे इसे बना सकते हैं। जहां भी आपको कर्व दिख रहे हैं आप उस जगह को सर्कल से बना सकते हो इजीली। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी इस बॉडी वाली शेप को देखते हैं। यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है इस तरफ आप देखिए, हम एक सर्कल सिंपल सा मैंने ये शिप के साथ बना लिया है। अभी एक सर्कल बना लिया। एक और चीज फ्रेंड्स, कि जो कुछ मतलब हम लोग जब बनाते हैं लोगो तो काफी बार जैसे डाउट रहता है कि हम सर्कल बना रहे हैं तो हमारे सारे सर्कल इक्वल होने चाहिए लोगो डिजाइनिंग में, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो सर्कल है उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही साइज के सर्कल से ही पूरा कंप्लीट लोगो बनता है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको फिट करना है। यहाँ पर मैंने सर्कल को थोड़ा इधर एडजस्ट किया, इधर एडजस्ट किया, तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये मेरा परफेक्टली शिफ्ट हो गया है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा पूरा इसके अंदर फिट हो गया है। हल्का फुल्का अगर आपको लगता है कहीं पर है तो आप इसे एडजस्ट कीजिए बहुत केयरफुली। ठीक है फ्रेंड्स, हमें अभी भी हल्का सा लग रहा है, हम इसे थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी का सर्कल ऐड कर दिया। अब आते हैं हम इसके विंग्स पर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगी, जब मेरा ये लोगो थोड़ा बन जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको एक चीज और बताऊंगी। जो बिगनर्स होते हैं जब वो लोगो डिजाइन करते हैं सर्कल से, तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इतने सारे सर्कल हो गए हम कैसे मैनेज करें। उन्हें नहीं समझ आता कि क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज रिमूव करनी है। तो वो सारे डाउट भी मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्कल बनाया। अब मैं इस विंग्स के अकॉर्डिंग देखिए ऑलमोस्ट ये परफेक्टली बैठ चुका है, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं और इसे इस ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा सेट हो गया है हमारा, ऑलमोस्ट ये हमारा इसके अंदर फिट है। अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 लगता है, हम इसे हल्का सा और बड़ा करते हैं और इसके अंदर इसे फिट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा सर्कल फिट हो गया है। अब हम बनाते हैं इसके ये वाला पार्ट विंग्स का। तो हम इसी सर्कल को कॉपी कर लेते हैं, अगर हमें दूसरा नहीं बनाना है देन हम इसे छोटा कर लेते हैं। आप चाहो तो दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। यहाँ पर मैंने एक और सर्कल बनाया फ्रेंड्स। अब मैं फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो में एक मैसेज और देना चाहूंगी कि आप अगर कोई भी लोगो डिजाइन कर रहे हैं और आपको उस लोगो डिजाइन करने में किसी भी तरीके की भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि वो लोगो आपको कोई डिजाइन करके दिखाए कि कैसे डिजाइन होना है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मेंशन है फ्रेंड्स। आप उस मेल आईडी पे अपना लोगो मेल कर सकते हैं कि आपको उस लोगो को डिजाइन करवाना है या आपको उस लोगो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उस लोगो की इमेज आप मेल कर दीजिए। देन मैं आपको एक वीडियो उसी टॉपिक पर आपको कैप्चर करके दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी डिजाइनिंग पार्ट में। आपको कहीं भी कुछ भी लगती है प्रॉब्लम, आप मेरे को मेल कर सकते हैं कोई भी लोगों की इमेज
या आप जो जैसे जैसे मेरी वीडियो चलती जाएगी, अगर वेक्टर ट्रेसिंग की है तो आप उस वीडियो को मुझे मेल, मतलब उससे आपको कुछ वेक्टर बनाने में प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे भेज सकते हैं, लोगो या जो भी आपको बनवाना है इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही वो मैं आपको बना के यहाँ पर शो कर सकती हूँ, तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे मैच करा दिया है। अब मैं इसी सर्कल को ले लेती हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने इसे यहाँ लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरी आती है यहाँ पर इसके ये वाले पार्ट की। जो फ्रेंड्स मैं बोल रही थी कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, वो ये है। देखो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे सर्कल हो गए हैं, ये ट्विटर का जो लोगो मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ, ये फिर भी बहुत सिंपल है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये, मैंने इसीलिए सबसे सिंपल लोगों से स्टार्ट किया है सर्कल का बताना। तो अगर काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच लोगो हो जाता है कि काफ़ी सारे सर्कल हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बता दूंगी, जिससे कि आपका लोगो भी डिज़ाइन हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा सर्कल ऐड करना है या कौन सा नहीं। तो पहले हम ये वाला फिनिश कर देते हैं, देन मैं आपको वो ट्रिक भी बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके फेस के लिए यहाँ एक सर्कल लगा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं, हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, आप चाहो तो दोबारा ड्रॉ कर सकते हो, और इस वाले सर्कल को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कम्प्लीटली फिट नहीं है अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। बड़ा करके मैं यहाँ पर इसे फिट करने का ट्राई कर रही हूँ, ये इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरा फिट हो गया है सर्कल। मैं इसी सर्कल को कॉपी कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऊपर वाले इस पार्ट पे लगा रही हूँ। अब मैंने इसी को कॉपी किया और इसकी मैंने ये जो मेरा चोच वाला ऊपर का पार्ट है इस पर लगा रही हूँ, ये नहीं फिट हुआ इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसी सर्कल को कॉपी कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ नीचे लगा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट लोगो बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, पूरा एक सिंगल लोगो बनाने के लिए हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, देन हम शेप बिल्डर टूल चूज करेंगे, और जो जो पार्ट आपको दिख रहे हैं लोगो के अंदर, ये आउटर पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसको आप मत छेड़िएगा। इनर पार्ट जो हमारा काम का है, इसका हमें उसको क्या करना है, ऐड करना है इसे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो मिस्टेक हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं भूल गई। यहाँ पर एक हमने ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं ड्रॉ किया है, तो हम इस पार्ट को भी ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे इस पर। हम एक और सर्कल को यहाँ से कॉपी उठा लेते हैं इसकी, दो एक साथ हो गए, हमने सिंपल एक सेलेक्ट करना है और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी उठानी है, या आप दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाइए। और मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ, ये वाला पार्ट अभी हमारा बनाने से मिस हो गया था, ये मैंने यहाँ इसे मोस्ट फिट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से पूरा बन गया है लोगो। कंप्लीट लोगो को सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल लेना है, और जो जो पार्ट आपका इसके ये लोगो के मेन पार्ट है, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसे ऐड करते जाना है। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट लोगो ऐड कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट रह गया है, तो मैं उसको भी, इन दोनों को मैं सिलेक्ट सबको कर लेते हैं 1 मिनट, यहाँ पर हमारा छोटा सा पार्ट रह गया है, मैंने सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप बिल्डर टूल से मैं इसको भी इसके साथ ऐड कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक्स्ट्रा जो हमारे पार्ट हैं इन्हें हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ट्विटर का लोगो रेडी है। अगर आपको कहीं छोटा और कोई डॉट कहीं आपका हल्का फुल्का इधर है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारे लोगो में यहाँ सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, तो आप इसे शेप बिल्डर टूल से ऐड भी कर सकते हैं, बाद में से रिमूव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कलर फिल करके कैसा लग रहा है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमने ये देखिए कलर लिया और ये फिल हो गया।
यहाँ पर हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। फिर ये देखिए मैं इस तरीके से डिलीट कर रही हूँ सिंपल सिलेक्टर के। इनको आपको अच्छे से ऐड करना है, बस जब आप शेप बिल्डर टूल का यूज कर रहे हो ना, तब आपको बस थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है कि ये सारे डॉट ना रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप सर्कल के यूज से लोगों किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक बार अंडू कर रही हूँ आपको एक चीज थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, कि जैसे कभी आपको लग रहा है कि आपका लोगो बहुत हौच-पौच हो गया है, आपने इतना लोगो नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, हमने इतना लोगो अभी डिजाइन ही नहीं करा, हमने सिर्फ इतना करा है, सिर्फ इसका एक विंग्स। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैं और डिजाइन करूंगा तो अभी बहुत हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी जस्ट मैं यहाँ पर ऐसे ही रैंडम एक सर्कल रख दे रही हूँ ये वाले पार्ट को पूरा करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पहले से विंग्स ही मिल जाता बाद में मैं आगे का, तो आप इतना ही कर लो पहले, आप कंफ्यूज मत हो। आप पहले इतना ही अपना लोगो को क्या करो, इतने ही लोगों को ऐड कर लो। ओके, ये हमारा इतना हो गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्यादा ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, चलो मैं अभी रैंडम आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने इसको लिया, एक को सर्कल लिया मैंने एक, और इसे यहाँ लगा दिया मैंने। अभी मैं रैंडम लगा रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप ज़्यादा भी डीपली मत देखना कि अच्छे से नहीं लगाए वो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंपल इतना मैंने इसे ऐड कर दिया, जितना मुझे अभी लग रहा है ना कि मेरे विंग्स रेडी हैं, तो मेरे को सिर्फ उतना ही रेडी करके ले लेना है। मैंने इतना ले लिया, ठीक है, मुझे लग रहा है इतना काम का है, मैंने इतना ले लिया, बाकी सब मैं हटा देती हूँ। फिर मैं इसको आगे का बनाऊंगी, जहां मुझे लग रहा है ना अब मैंने इतना बना लिया, अब फिर मैं इसके आगे का बना लूंगी, वो मैं इसी के आगे ऐड कर लूंगी। तो उससे क्या होगा, अगर आपका कोई लोगो बहुत टफ है तो आपको हौच-पौच नहीं होगा। मतलब आप इस तरीके से, मेरा मतलब ये है समझाने का कि आप इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं, अगर आपको सर्कल से लोगो डिजाइन करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपका सर्कल से लोगो बनाने का जो एक टॉपिक है वो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी को कमेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मैं नहीं व्यू कर पाऊँ या ज़्यादा हूँ, फिलहाल तो अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है ये, तो इतने कमेंट्स है ही नहीं, तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। लेकिन कभी कमेंट्स में अगर नहीं रीड हुआ या कुछ है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।